so we have a bride today. Hi. So are you guys excited to see her full look? Chalo, let's start with this aur main aapko thoda details share karti rahungi. हाय यू गाइस, हाउ आर यू ऑल. सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आई मेकअप पहले, एंड मैंने अब बेस लगा लिया है. मैंने अब शीन सा इफेक्ट दिया. अब मैं साइड कॉर्नर्स में थोड़ा सा न्यूट कलर दे रही हूँ विद अ फ्लफी ब्रश. ब्लेंड करना है उसको. मैंने ग्लिटर ग्लू लगा के अब ग्लिटर पेस्ट कर रही हूँ. मैंने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का ग्लू एंड मेकअप स्टूडियो का ही ग्लिटर. ये ब्राउन टोन में है और एक फ्लैट ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी ब्राइड की डिमांड थी ग्लिटर करने की. सो आई थॉट चलो लेट्स डू दिस ब्राउन कलर ग्लिटर क्योंकि उनका मैरून आउटफिट है. ग्लिटर एप्लीकेशन बहुत आराम से एंड तसल्ली से करनी चाहिए. नेक्स्ट आई एम यूजिंग इंग्लॉट का आई लाइनर जेल लाइनर दैट इज 77 नंबर, एंड उसी से मैंने एक अच्छा सा विंग बनाया है और मैंने एंगुलर ब्रश यूज़ किया है विंग के लिए. नेक्स्ट हम उसी आई लाइनर को मैं थोड़ा ब्लैक आई शेडो से स्मज करूँगी. आई लव डूइंग दिस क्योंकि इससे क्या होता है ऊपर नहीं चिपकता बिकॉज इनकी भी हुडेड आइज थी. सो कभी कभार लाइनर ऊपर चिपक जाता है तो हम आई मेक श्योर कि मैं उसको शेडो से सेट करूँ. सॉरी इग्नोर माई थ्रोट इज़ नॉट गुड. सो येस नाउ मैंने कॉर्नर्स में थोड़ा सा कॉपर कलर लगाया है. मुझे ऐसे लग रहा था कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने थोड़ा कॉपर टोन दिया है कॉर्नर्स पे. कितना प्यारा ग्लिटर लग रहा है. आई एम लाइकिंग इट. नाउ नेक्स्ट हम लगा रहे हैं लैशेस. लैशेस मेरे अपने ब्रांड की है. अच्छे से दोनों आईज पे लैशेस बहुत आराम से लगाना है. एंड लेट योर क्लाइंट टेल योर क्लाइंट डोंट ओपन योर आईज. अब उसको थोड़ा और डिफाइन करने के लिए मैंने ऊपर से एक हल्का सा लिक्विड लाइनर लगाया है. वो मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का. नाउ फेस क्लीन करके हमने ऑयल स्टार्ट कर दिया है. नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग फेस ऑयल ऑन हर फेस. नाउ बेनिफिट का पोर प्राइमर. अगर आपको पोर प्राइमर चाहिए है तो मैं आपको एक वेबसाइट दे रही हूँ जिस पर जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं. बेनिफिट नार्स हुडा एवरीथिंग यू विल गेट देयर. नौ मैंने ऑरेंज करेक्टर के बाद मैं एक डार्क कलर का कंसीलर लगा रही हूँ. आप कहोगे कि इनकी डार्क सर्कल तो दिख नहीं देते बट फाउंडेशन लगाने के बाद दिखते हैं इसलिए मैं लगा रही हूँ. अब मैं डार्क कलर कंसीलर से हाइड कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर को. नौ मैंने फाउंडेशन का बेस लगा लिया. मैंने फाउंडेशन यूज़ की थी नार्स का पंजाब एंड बार्सिलोना मिक्स करते हुए शेड निकाला था. नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. अब मैं इसके ऊपर टैन कलर लगा रही हूँ ताकि मुझे ऐसे लग रहा था कि पिगमेंटेड स्किन ना दिखे अंडर आइज भी ना दिखें तो मुझे वो ज़रूरी होता है करना. अब मैं लाइट कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अगेन टार्ट का. दिस इज़ लाइट न्यूट्रल एंड ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबसाइट दे रही हूँ उसमें आप ले सकते हैं. अब मैंने कोई भी एक पिंक कलर की लिपस्टिक ली है उससे से मैंने टिंट क्रिएट किया है. मैं आज के लिपस्टिक से टिंट इसलिए करती हूँ मुझे बहुत नेचुरल इफेक्ट लगता है एंड बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास तो यू कैन यूज़ एज अ टिंट. नाउ मैंने बेकिंग कर दी है अच्छे से एंड आई एम डूइंग हर आईब्रोज. आईब्रोज करने के बाद ऑब्वियसली कंटोर. कंटोर कैसे भूल सकते हैं. नोज़ कंटोर बहुत आराम से करना. मेरा शायद कॉल आ गया था. बीच बीच में बातें नहीं करती हूँ पर ज़रूरी कॉल होता है तभी उठाती हूँ मैं. यस नाउ मैंने अंडर आइज़ में भी देख रहे हैं आप थोड़ा सा पिंक कलर कर दिया है. नाउ मैं कंटोर कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड. कितना प्यारा लुक आ रहा है गाइस. मज़ा आ गया. आप भी ज़रूर बताइएगा. थोड़ा सा मैट ब्लश कर रही हूँ उनके चीक पे. आप भी मुझे फाइनल में ज़रूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा और आपको ऐसे और ट्यूटोरियल देखने हैं या नहीं. नाउ आई एम डूइंग मस्कारा. मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ कीको का या आप हुडा ब्यूटी यूज़ कर सकते हो. मस्कारा पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़े. एक मस्कारा मैंने बहुत अच्छा उसका रिव्यू दूंगी मैं आपको. यूज़ कर रही हूँ आजकल मुझे बहुत पसंद आया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी. मैंने लिपस्टिक लगाई है डार्क पर्पल सी कलर की आउटर कॉर्नर्स पे. वो लगाई है फॉरएवर 52 की. नाउ उसके ऊपर मैं हल्का सा ग्लॉस कर दिया है. मैंने लिप प्लम्पिंग ग्लॉस यूज़ किया है मैंने टू फेस का अगेन.
एंड अब इनका हेयर स्टाइल हो रहा था. ओ माय गॉड, लुक एट इट, कितना सुंदर लग रहा है. ऑब्वियसली मैं बताती हूँ अपने स्टाफ को कि कैसे क्या करना है, कैसे 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 फ्लावर्स लगाने हैं, ये सब चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं. एंड टडा, ओ माय गॉड, शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि वो कैसी लग रही हैं, आपको अच्छी लगी या नहीं. टू लेट मी नो गाइज, आई विल बी वेटिंग, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है. मैं आजकल यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट आप लोगों को मुझे मोटिवेट करना होगा. ओह माय गॉड, अब एक फ्लाइंग किस हमारे यूट्यूब के उनके लिए. थैंक यू सो मच कमल मैम, सच अ ब्यूटीफुल. बोलो बोलो, जो स्पेशल है बाद में फिर से बुलवाऊंगी. ज इज रेडी, और इसी के साथ हम यहाँ ब्लॉग खत्म करते हैं. आपको इनके BTS दिख जाएंगे YouTube चैनल पे. लुकिंग सो प्रिटी. थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्यारे, सो प्रिटी. थैंक यू सो मच मैम, आपसे लगी थी आपको बहुत प्यारे. थैंक यू, सुपर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.